कहाँ से बना लेते, कहाँ कला आता है उसको। कहते ये बहादुरी है ही नहीं तो इसलिए सबको आ जाता है। बच्चा को कौन सिखाता है खाने के लिए? आप कहिए कि तैराकी सीखने के लिए लोग कोर्स करते हैं, लेकिन उस मछली को कौन तैरने सिखाता है? बड़े फास्ट में तैरते, तैराकी तो प्रतिकूल बहाव में थोड़े तैर पाएगा, वो नाव चला पाएगा, लेकिन मछली भाटा से सिरा की ओर भागती रहती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, अब शेर के बच्चा को शिकार करने कौन सिखाता? कोई नहीं। पक्षी को आकाश में उड़ने कौन सिखाया है? एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए पायलट को कितने साल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और फिर ट्रेनिंग में वो उसका वो हो जाता है, क्रश हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है। लेकिन उस पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए कहाँ से फ्लाई ओवर करना है, कहाँ से लिफ्ट करना है, कहाँ जा करके लैंड करना है, किस जगह पे कहीं कुछ होता है, कितने एरोप्लेन उतरते समय ही क्रैश हो जाता है, उड़ाते समय ही उड़ जाता है। लेकिन कौवा मैना को देखिए, कहाँ उसको उतरना है, ठीक उसी जगह पैर रखते हैं, और कितना उसको सिस्टम है कि कैसे उसका पिकअप को कम करना है जाके वहाँ समर जाए। साधारण बात है, लेकिन वो भी हो रहा है। तो होशियारी वाली कुछ भी बात नहीं है जो लोग कर करके अपना ये दिखा रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते जितने जो कुछ हैं ये सब बाहरी बात है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मा, पहले लोग डिबिया जलाते थे, लाइट जलाते, डिबिया के बाद धीरे धीरे लुक्का लालटेन जलाने लगे, लालटेन के बाद फिर एक गाँव में याद होगा कि जनरेटर से तार दे करके लोग बोल जलाते थे, और इसके बाद फिर बिजली आई तो बिजली में भी अब लाइट में भी वो पहले का बोल दूसरे होता था, आजकल LED वेपर कौन कौन से लाइट डिजिटल लाइट आ गए, यहाँ रिमोट दबाई वहाँ लाइट जलने लगता है। तो ऐसा ऐसा प्रकाश हुआ कि बाहरी प्रकाश तो हुआ लेकिन तब भी अंधेरा था, आज भी अंधकार में हम बैठे हैं, घोर अंधारी में जीव दुखित छल हो गिल सकल सनात। तब भी खाते थे, पहले खाने पीने का बेसी संसाधन नहीं था, ऐसे कहिए गहराई में जाइए तो पहले के लोग जितना बढ़िया खाते थे आजकल शायद उसका तकदीरे फूटा हुआ है, क्योंकि उसको कुछ दिखता ही नहीं है बाहर में, खाने पीने का वैरायटी सब भुला बैठे हैं। परंतु जो भी है खाने पीने में बहुत तरक्की किए, पर ये आत्मा उस समय में भी प्यासा भूखा था, इस समय में भी है, उस समय में भी कष्ट में था, उस इस समय में भी है। पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से तू खामोश रहे क्यों भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, कह न सके तू अपनी कहानी, पंछी भी तेरी क्या जिंदगानी रे, बिली ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। छुपके छुपके रोने वाले रखना छिपा छिपा के दिल के ताले रे, ये पत्थर का देश है पगले, यहाँ कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। ये आत्मा बेचारा दुखी है, सप्त धातु का काया पिंजरा, ता मही जुगति बिन सुआ, जुगति बिना ये पड़ा हुआ है, जुग जुगान चौखाने में भ्रमि भ्रमि दुख बोरी, पशु पक्षी कृम आदि की योनिन में भर में वो बहुबार, कई प्रकार के शरीरों में भटकते बंधन में पड़े रहे, माया देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई है दूर जीव कैसे तरे। विकास 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 के मुद्दा पर इलेक्शन होता है, लेकिन थोड़ा विकास भी हुआ है। आज 500 साल से मंदिर मंदिर बोल बोल करके वोट लेते थे, लेकिन आज तक नहीं बना। यदि आज कोई यशस्वी प्रधानमंत्री जी बना दिए तो हम लोगों को चाहिए कि जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का, जो राम लाए हैं उसे लाना है। अरे आलू प्याज मूली बैगन तेल मोबिल तो सस्ता महंगा होबे करेगा, वो कौन सा फ्री में दे रहा था, उसमें महंगाई नहीं थी, इसीलिए नहीं हम अपना कुल को देंगे, कुल मूल भूल कुछ नहीं है। आज तक देखिए आप जहाँ भी जिस रास्ते से गुजरिए 10-10, 20-20 बीघा का कब्रिस्तान बना हुआ है, लेकिन कहीं दिखा दीजिए श्मशान घाट, हिंदू नहीं मरते हैं क्या, ये अमर पी के आए हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये उसके लिए जगह है? तो इसीलिए जो राजा पक्षपाती हो, एक दूसरे को खुश करके वोट बैंक का काम करे,
तो उसके तुलना में यदि वो निष्पक्ष हो और सबके लिए वो रहे तो उस पर हम लोग का ध्यान होना चाहिए। मेरा विषय है कि विकास जो है आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक सुख शांति होने का नहीं है। ये शारीरिक विकास से कुछ होना जाना नहीं है। पहले बैलगाड़ी पर जाते थे, जाते जाते सो जाते थे, बरद भी बैठ जाता था, रुक जाता था, लेकिन आजकल 180 की स्पीड में जाते हैं। आ कहीं मिस हुआ तो पुर्जा पुर्जा टुकड़ी हो जाता, गिन भी नहीं पाते कितना पुर्जा हुआ गाड़ी का और हड्डी का, कहाँ गए। जितना फास्ट है उतना खतरा है। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ड्राइवर भी है, संजोग से एक जगह ड्राइवर नहीं मिला तो मैं भी थोड़ा चलाना जानता हूँ, तो सोचा कि अब थोड़ा दूर है हम ही चला लेते हैं, कहीं से ड्राइवर मंगा भी लेते हैं। अब ड्राइवर को 15,000 कहाँ से दीजिएगा, सत्संगी नाप करके तेल देता है पेट्रोल, उसको कहाँ से देंगे। अब टायरिन बेचना पड़ेगा पहिया खोल के, गाड़ी चलेगी कहाँ से। बात बहुत है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए हम लोग को बोल रहे कि नहीं दे रहे। आप लोग कोई भी देते हैं, कहीं कहीं हो जाता है घाटा, पर उसके लिए टेंशन नहीं है। तो अब हमको क्या हुआ कि चलाते चलाते झपकी आ गए, हम सो गए। अब लो गाड़ी कौन चला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी का अगला पोर्शन पूरा थौवा थौवा हो गया, लेकिन गुरु महाराज की प्रत्यक्ष कृपा देखिए कि मेरी जान बच गई, कुछ नहीं हुआ। सत्संग में जा रहे थे, हो सकता है कि मेरे द्वारा सेवा लिखा हो तो इसलिए बचा लिए, नहीं तो बचता कोई थोड़े है। अभी परसों एक देवघर से फोन आया, एक सत्संग जिसके हमें सत्संग में किया था देवघर में, लोग जाते हैं जल ढारने और हम भोला बाबा को कथे सुना के आ गए, फायदा किसको हुआ। सत्संग से लगे रहिएगा तो भोला बाबा अपने बुला लेंगे, आ नहीं तो घसाट पिसाट खाते रहिए वहाँ पुलिस का, जब पुलठी चलता है ना तो पूरा वहाँ भीड़ भाड़ में जब कुहवा पावन होता है तो मन पूरा खनन हो जाता है, ये हाल है। तो वहाँ से फोन किया, उसका एक बेटा रहता है आसनसोल में, आसनसोल में अब गाड़ी से आ रहा था तो पूरे परिवार था, मतलब पति पत्नी और उसका एक नवजात बच्चा था। ऐसा भीषण एक्सीडेंट हुआ कि पति पत्नी अभी हॉस्पिटल में, कहीं ऑपरेशन हो गया, अब बच्चा गुजरिए गया। बचता नहीं है लोग, लेकिन गुरु महाराज बचा लिए। तो कहने का मतलब कि कितना स्पीड है, गाड़ी को फुल स्पीड में मोटरसाइकिल वाला टी टी पीछे से हॉर्न देते रहेगा, लगेगा उसी को खाली हड़बड़ी है, अगला को नहीं है हड़बड़ी, दुपहिया है आ चरपहिया, वो इसको ही बगल करे वो बीच से जाए, एक बार स्टेरिंग दे देगा तो उधर छिलक के चला जाएगा। कहने का मतलब आदमी को हड़बड़ी कितना है ये देखिए, लेकिन हड़बड़ी से कुछ होने वाला नहीं है, इसमें शांति नहीं है। जितना जो कुछ हुआ ये सब पतन की ओर, विनाश की ओर ले जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा आजकल मोबाइल का हड़बड़ी है। पहले चिट्ठी भेजते थे ना अंतरदेशी पोस्ट कार्ड, मेरा कुशल समाचार ठीक है अपना लिखिए, तो तुरंत ही लिखता था, तुरंत आप दिन भर जाता आपको पोस्ट ऑफिस जाने में लगता था वो चिट्ठी पहुंचाने, और वो डकिया खाया पिया, फिर अगले दिन परसों तरसों कभी ले जाके अगला ऑफिस में जमा कर दिया, वो अगला पोस्ट ऑफिस में जाते जाते 3 महीना लग जाता था पोस्ट कार्ड को, और वो पढ़ा था फिर वो अखबार पोस्ट कार्ड खरीद के लाएगा, लिखेगा सोचेगा सोच, अब एक ही पन्ना में उसको पूरा भूमिका लिखना है तो सोचना पड़ता है ना, फिर सोच करके या फिर वो जाके वहाँ डालता है, वहाँ डालता है। यदि स्पीड पोस्ट हो तो 2-3 दिन मैंने, तो पोस्ट कार्ड हो तो 3 महीना। संतोष होता था ना कि भाई 3 महीना के बाद भी चिट्ठी आई तो बड़ा एकदम सुकून लगता था, लेकिन आजकल बाप रे, एक बार जब फोन नहीं उठाया तो दूसरी बार इतना झाड़ मारते हैं ना, उसका ही मन खनन कर देता है, फोन से तो फुर्सत ही नहीं है। अब बच्चों बड़का को तो छोड़िए, वो जो अंडा डिम्मा जो आज जन्म के खड़ा हुआ है वो, उसको भी फोने है जीवन उसका। पहले बच्चा रोता था तो क्या होता था कि माँ बाप को देख लिया रोना बंद, अब रोएगा नहीं, हो माँ बाप जो हो गया ना, और यदि उसके बाद भी रोए तो माँ बाप समझते थे कि इसको भूख लगी है, तो गोद में उठा लिए तो रोना बंद, इसके आगे भी रोने लगे तो दूध पिलाने लगे रोना बंद, आजकल दूध पीने के बाद भी है अब, तब वो जेबी से वो पर्स से मोबाइल निकालती है, अब मोबाइल दे दिया तो रोना बंद। तो माँ के दूध से भी ज्यादा कामयाब क्या हुआ, मोबाइल हुआ।
ये है मोबाइल वाला बच्चा, इसलिए मोबाइल में जैसा देखता है वैसा उसका केस लुच्छी बनाएगा, और वैसे वो नीचे पहनेगा मुर्गा छाप, और इसी तरह से चलेगा बोलेगा बानर की तरह, लगता ही नहीं कि आदमी का बच्चा है। अब मोबाइल का बच्चा तो मोबाइल जैसे रहेगा, क्योंकि मोबाइल से ही पोसा पाला गया है। दूध दूध माँ के दूध से बढ़ के कुछ नहीं, ऊपर उससे भी बढ़ के मोबाइल है। ये माँ बाप को भी फ्री हो जाता है, चलो मोबाइल में लगे रहो, अब हमको काम धंधा करना है, हमको भी फ्री होके दूसरा मोबाइल देखना है। तो फ्री कौन सी हो गया, आप उसको फ्री कर दिया, वो भी आपको फ्री कर दिया, कहियो आपके पास आने वाला नहीं है, वो दूसरी दुनिया में चला गया। इसलिए क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्है गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यदि गुरु महाराज बोले कि बचवा खेलने धुपने में व्यस्त है, चलो हम फ्री हो गए, तो बच्चा का तो उदाहरण हो गया। माँ बाप तो गुरु होते हैं ना, उसको तो गाइड देना चाहिए कि भाई किस चीज से, किस चीज के खाने से, किस चीज के पीने से, किस चीज के संग से बचाव का भविष्य अच्छा या खराब होगा वही करें, फ्री कैसे हो जाएगा, गुरु फ्री होता है। तो इसलिए बच्चा बाल बच्चा का महत्व तो कितना, यदि बाल बच्चा नहीं हो तो सोचिए दुनिया के हॉस्पिटल में वो हाजिरी लगा देंगे, जहाँ से रिपोर्ट का एकदम पोथी पत्रा भर लेंगे, आज हो जाता तो उसको फ्री ही नहीं है, फुर्सत ही ना, फुर्सत हो तो चाहते कि किसी तरह से उससे हम फ्री हो जाए। तो इसलिए कहने का विषय यह है कि आदमी कितना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त जीवन में होते हुए भी आत्मा का कोई लेना देना नहीं, आत्मा को कुछ नहीं मिला, पूरे हड़बड़ी में। एक जगह एक सज्जन थे ना, तो उसकी घरवाली मोबाइल ऐसे कान में दबा रखी थी, ऐसे ना रखते हैं, हाथ से रोटी बोल रही थी ना बेलना से, अब मोबाइल कौन पकड़े, तो कान से ऐसे कान्हा से दाब रखी थी, अगर हो रहा नहीं रास हो रहा इधर उधर, और कौन सी करेंगे, आलू बैगन गप तो हो रही थी, और घर वाला भी वो भी मोबाइल में व्यस्त था, वो भी ऐसे दाब करके ऐसे रोटी खा रहा था उधर, खा रहा था ध्यान उसका मोबाइल पर था, तो रोटी को दाल में डुबाने की जगह पर गिलास के पानी में डुबा डुबा के खा रहा था। अब पानी में डुबा के खाएगा तो स्वाद आएगा, अब स्वादे ना आवे, मोबाइल पर व्यस्त बीच बीच में खाए तो स्वादे ना आवे, तो डांटने लगा ना लायक, कहेंगे दिन भर मोबाइल में लटकी रहती हो, दाल में ना नमक दिया ना मिर्च दिया ना मसाला दिया, सिर्फ पानी धर दिया, बार बार डांट भी रहे मोबाइल से बात भी हो रही, दोनों तरफ काम हो रहा ना, उधरो इधरो, बीच में जब स्वाद नहीं आए तो गुस्सा चढ़े तो डांट दे, और घर वाली भी व्यस्त थी मोबाइल लेकर के से बेलना बेल रहे रोटी बना रहे, बाद में जब दो तीन बार वो डांटा ना तो घर वाली ऐसे घूम के देखी, तो वो तो पानी में रोटी डुबा डुबा के खा रहा था, तो घर वाले से बेलना उठाई, कहती सुनो रोटी को दाल में डुबा के खाओ, नहीं तो मारूंगी बेलना बत्तीसी बार हो जाएगा। तब उनको होश आया कि भाई हम तो रोटी को पानी में डुबा रहे थे। तो ये है जीवन, इसलिए आज मोबाइल से लाखों करोड़ों लोग कमाते हैं, करोड़ों तरह का सहूलियत सुविधा है, मोबाइल का महत्व दे करके और उससे बहुत कुछ होता है, लेकिन दवाई से बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं, लेकिन दवाई को दवाई की तरह लिया जाता है, औषधि की तरह। इसी तरह से मोबाइल का यूज हो तो मोबाइल से सबका भविष्य बनता है, बहुत कामयाब चीज़ है, लेकिन यूज की जगह पर हम मिसयूज, उपयोग की जगह पर दुरुपयोग करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह आत्मा वही था, कल भी हम अकेले थे, आज भी अकेले हैं। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं शारीरिक रूप से व्यस्त रहिए लेकिन मन को बैठाइए, तो यह मन भी निरोग हो जाएगा, और शरीर को थकाइए तो शरीर भी निरोग हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना मन को थकाते हैं, मन को रंजन करते हैं, मनोरंजन, और शरीर को बैठाते हैं, और मोबाइल देखते हैं तो शरीर थोड़े थकता है, तो पड़े हुए एकदम टड़ा मेड़ा जैसे तैसे, अब मोबाइल से बात हो रही तो मोबाइल से मन थक रहा है, ये मन रोगी हो जाता है। इस मन को भक्ति रूपी जड़ी दीजिए, उस मन को एकाग्र कीजिए, ये मन धीरे धीरे जड़ी काम करेगा, अस्थिर हो जाएगा, ये मन बलवान हो जाएगा,
ये मन निरोग हो जाएगा और शरीर को थकाते रहिए, शरीर भी निरोग हो जाएगा। इस तरह से यही है मन के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर यदि उन्नति और विकास। तो जब भी आत्मा को बल मिलता है, आत्मबल, तो ध्यान से मिलता है। मन को बल मिलता है तो वह जप से मिलता है। तो इस तरह से एनर्जी, बल, ऊर्जा मिलता है। और मन ही न बीमार होता है, तन थोड़े बीमार होता है। कहते हैं हमारा मन खराब है, कहते हैं कि तन खराब है, मन खराब है। तो मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, कह कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। इसलिए माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दो दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला कर से लर परी क्या फेरत है, मोई मन का माला फेर ले तेरा घट उजियारा होए। मन से ही होता है, जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगावे हरि पावे। मन से ही हम अच्छे मार्ग पर चलते, मन से हमारा पतन भी होता है। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, ले जाएगा दरिया में रसद देगा छोर। ये मन जब कुमारगी हो जाता है, कुसंगी हो जाता है, तो यही मन भगवान बुद्ध कहते हैं कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त मन उतना दुखदायी होता है जितना कि दुश्मन से भी, दुश्मन दुखदायी होता है उससे भी अधिक होता है। सुमार्ग पर लगा हुआ भक्ति सत्संग जब ध्यान में लगा हुआ मन जितना भलाई रिश्ते नाते माते पिते सगे संबंधी नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ये मन हमारे लिए करता है। इसीलिए यही है मन का विकास, आत्मा का विकास मन के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि कितनों कोई व्यस्त हो जाए, कितनों कोई एडवांस हो जाए, पर वो कहीं नहीं है, बस यही है। वो किसी एक तिल भी आगे नहीं बढ़ा और तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो सत्संग ध्यान में नहीं लगेगा। इसलिए शर्त ये है, आत्म कल्याण के लिए सत्संग करना पड़ता है। तन का भोजन अन्न है, मन का है सत्संग, जीवात्म का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संत। जीवात्मा का भोजन है। इसलिए आप देखिए, शरीर के मोटा होने से कोई जरूरी है कि आत्मा भी बलवान हो जाएगा? शरीर बल अलग है, आत्म बल अलग है। शरीर से हाथी कितना बलशाली होता है ना, लेकिन शेर के पास कौन बल है और हाथी के पास कौन बल है? शेर के पास शारीरिक बल के साथ आत्म बल है और हाथी को केवल शारीरिक बल है। यदि उसे आत्म बल हो तो शेर को हाथ नहीं लगने देगा वो। तो इसलिए चुस्ती फुर्ती ये सब है उसके पास, तो ये आत्म बल माने रखता है। तो आत्म बल मनोबल से ही हम बलवान होते हैं, भक्ति भजन करने से ये सब होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये शारीरिक ज्ञान से अलग हटो और आत्मा के ज्ञान में आओ, आध्यात्म ज्ञान में आओ, तब कल्याण होगा। ये व्यस्त जीवन से समय निकालो, ये तो वही हो गया ना, एक तो बंदर अपने चुकुर भुकुर करते रहता, उसको एगो पैक पिला दीजिए तब तो हो गया, फुल करंट में आएगा। इसी तरह तो जन्म जन्मांतर से विषय रूपी बाजार में हम भ्रमण करते ही आए हैं, तो वो तो व्यस्त अभ्यस्त हैं ही उसके, और उसमें और व्यवस्था वही और करते जाएं तो व्यस्तता बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ती जाएगी ना। आदमी मान लीजिए कि कोई बहुत बचपने से पैकेटमारी करते आ रहा है, चोरी घुसखोरी करते आ रहा है, और उसको बड़का बड़का चोर घुसखोर के बीच में बैठा दीजिए तो उसका अच्छा हो जाएगा तो और ना बिगड़ेगा? इसी तरह ये विषय भोग विकार के शिकार ये सब जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, और यहाँ पर और वही व्यवस्था पूरा देते जाइए तो ये स्थिर रहेगा मन? नहीं होगा, ये और व्यस्त हो जाएगा। इतना व्यस्त होगा कि मत पूछिए। एक आदमी बोला कि बाबा छोड़िए ध्यान भजन सत्संग बत्संग, हमको फुर्सत थोड़ी है, मरने का फुर्सत ही नहीं है, सत्संग कहाँ से करेंगे? ऐसा बेशरम आपको मिलेगा? गिने चुने मिलेगा। मतलब उसको मरने का भी फुर्सत नहीं है, मतलब अमर पी के आया हो, लगता है कि जमदूत से उसकी रिश्तेदारी होगी, समझौता हो गया होगा कि भाई हम लोग को नहीं मरना है, लेकिन जमदूत भी मर जाते हैं, वो नहीं मरेंगे। नाम अनाम रहे सद सद ही, दूजा तत्व न होई कोई,
कहे कबीर सुनव है साधो, भटकी मरो मत कोई साधो ई मुर्दन के गांव। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य रोगी। नौ मर गए दसों मर गए सहस अठासी, 33 कोटि देवता मर गए काल के फांसी। लेकिन उसको मरने का भी फुर्सत नहीं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इतना व्यस्त मत हो कि मरने का फुर्सत। अच्छा बोलिए जमदूत आएगा तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है चाय नाश्ता कर लीजिए चली जाइए सर जी, फिर आगे जब बुलाएंगे तब आइएगा, मानता है वो? कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कितकेश, अब क्या जानो कब मारियो क्या घर क्या परदेश। वो नहीं देखेगा कि घर का 2 मंजिला छत पीटने वाला है तो अभी काहे ले जाएंगे, आप छाती पीटते रहिए लेके चला जाएगा। घर का उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन करने वाले टपक गए रसीद कट गया, अब रहेगा कौन घर में? घर में उसका शरीर रहेगा? घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए, घर वाले कहेंगे जल्दी इसको निपटारा करो नहीं तो भुतुआ बन के घरे उजाड़ देगा। लो आपको अभी तक फुर्सत नहीं था ना, अब भुतुआ बन के घर उजाड़िए। जो कौड़ी कौड़ी जोड़ करके इट्टा गिट्टी बना करके मकान बनाए, आज उसके घर वाले कह रहे हैं जो बनाने वाले के बारे में कि भुतुआ बन के यहीं घर उजाड़ देगा। उजाड़ने के लिए बनाया था, जिसको फुर्सत नहीं होता उसका वही हाल होता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि मरना तो सबको पड़ता है। अच्छा भूत बन के आते हैं तो तुरंत वह झाक ले आएंगे ना, और फिर वो जब नीम का ठली देना शुरू करता है ना, पीठ 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 का जब वो छिलका छोड़ाता है उतने पर नहीं, बोतल में बंद करके ठेपी लगा के मिट्टी में गाड़ देते हैं। अब पड़े रहो बड़का घर का मालिक बनते थे, अब घर का उसका मूर्ति बना लेने से उसको मुक्ति मिल जाएगी? उसके लिए भक्ति करनी होगी, उसके गुरु के शरण में बैठाए उसका मूर्ति गुरु महाराज के आगे बना दिए तो क्या उसको मुक्ति मिलेगी? ये सब तो बात विवादित बात है, लेकिन विचारिए तो सही, आप उसको चाहते क्या है? उसका मुक्ति चाहते हैं तो गुरु ही मुक्ति दाता है, गुरु ही भक्ति दाता है। मोहि दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। कहने का विषय ये है कि इस तरह से फुर्सत नहीं होगा, कहीं चैन नहीं है। इसलिए जो कोई कहते हैं मरने का फुर्सत नहीं है तब विचारिए। एक आदमी को मैं पूछा कि अच्छा सच सच बोलिए कि आपको फुर्सत नहीं है, बोला क्या बताएं बाबा मत पूछिए, घर द्वार बेटा पोता कनिया लोकनिया नैत नातिन मकान दुकान झाड़ू बहाड़ू चूल्हा चौका इतना परिवार है 50 गो, तो ऐसे थोड़े होता है, आपके तरह थोड़े फ्री फंड हैं। यहाँ तो इतनी हड़बड़ी रहती है ना बाबा कि सांसों लेने का फुर्सत नहीं है। लो ये दूसरा बीमारी, अब उसको सांसों लेने का फुर्सत नहीं, मतलब प्राणायाम चढ़ा के काम करते हैं, प्राणायाम करके सांस रोक लेते हैं। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, उसका वो अंगुल द्वादश यानी कि वो द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विबलेम्बरे संविदृषि प्रशाम्यंत्यम प्राणस्पंदो निरुद्धति, यानी कि उस सुषुम्ना में घुस जाते हैं और तब काम करते हैं घर परिवार का। आज तक जब ध्यान किए ना सुषुम्ना में पहुँच गए तो सांस लेने का फुर्सत नहीं, इतना व्यस्त है। 10 मिनट नाक मुंह बंद करके आप लोग में कोई बैठिएगा? बैठिए तो 5 मिनट पेट फूल के फूकना हो जाएगा, मुश्किल है, 2 मिनट भी नहीं कर सकते। इसलिए संत महापुरुष कहते जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। तो सांस लेने का फुर्सत नहीं, फुर्सत होता कहाँ है लोगों को, फुर्सत निकालना पड़ता है। जैसे समुद्र का पानी देखिए उफान लेते रहता, कोई यदि विचार करे कि भाई पानी अस्थिर होगा तब नहाएंगे तो समुद्र किनारे खड़े जीवन बीत जाएगा, वो नहा नहीं पाएगा, उसको उसी में नहाना पड़ता है। व्यस्त जीवन में ही समय निकाल करके भक्ति भजन करना पड़ता है, समय निकलता नहीं है। इसलिए तन काम में मन राम में तो समय निकालना पड़ता है तो निकल जाता है। परिवार का दुहाई देते, हमको इतना परिवार है,
गुरु महाराज से बड़ा परिवार है क्या? गुरु महाराज को कितना सा चेला चटिया चपाटे हैं, हम लोग चेला के भी चेला है, और हमारा चेला होगा, उसका चेला होगा, कितना होगा, जितना होगा बढ़ती जगह, नाम तो गुरु महाराज का ना होगा लाखों में। वो तो सत्संगी लोग के दिमाग में थोड़ा सा जो भूसा भरा हुआ है ना, इसीलिए सत्संगी नहीं बढ़ता है, क्योंकि आजकल के जो बूढ़ा बूढ़ी है ना, बड़का पंडित है वो, पोता पोती को कहेगा तू कथी लेवी दीक्षा, दिन खराब बलो यार, हमें तो बर्बाद भइए गलिए, तू नहीं हो, अभी बच्चा है, बच्चा है तो छोटी बच्चिया जब कोई दीक्षा ली तो बच्ची है, बच्ची है, और उसके गोद में भी बच्ची हो जाते तो अभी गोद में बच्ची, अभी कैसे लगा दीक्षा, बड़ी होगी शादी ब्याह तो गोद में बच्चा होता ना, अभी हो न तब, अभी पोता पोती छोटा छोटा अभी हो न तो तब तब कब लीजिएगा, ऐसा ऐसा लॉजिक ऐसा ऐसा तर्क मारते कि दीक्षित होने ही नहीं देते हैं। अरे ध्रुव जी महाराज कितना वर्ष के थे, 5 साल के थे ना, तो बच्चा नहीं थे, उसको कौन भेजा जंगल, सबसे ज़्यादा ममता माँ में होती है, और माँ ने ही जंगल भेजा था, और एक माँ नहीं दोनों माँ भेजी थी, एक डांट करके और एक प्यार से। तो सत्संगी बढ़ाइएगा तब न बढ़ेगा, दीक्षा लेते समय सोचते हैं बोलते हैं कि हम तन मन धन से संत मत की सेवा करेंगे, तो सेवा कौन सी है, सेवा यही है कि सत्संगी बढ़ाइए, अब दूसरा तो बात नहीं मानेगा, कम से कम घर में कोशिश कीजिए, वैसे तो मानने वाला है नहीं, लेकिन शुरू शुरू में कोशिश कीजिएगा तो मान जाएगा। इसलिए कहने का मतलब फिर भी गुरु की कृपा है, हम लोग किसी को तो बदल नहीं सकते हैं, ये गुरु की कृपा है, आज लाखों लाख हो में सत्संगी है, पूरा बिहार के देश में फैलता गुरु महाराज के साधुत ज्ञान है, तो गुरु महाराज को कितना बड़ा परिवार है। फिर भी गुरु महाराज का सब दिनचर्या अद्भुत था, भगवान कृष्ण को कितना बड़ा परिवार है, कितने घर वाले जानते हैं, बोलो ना दू चार गो है तो हमारा की मतलब, ओकरा घर वाली से ओकरे घर वाली से सबको मतलब है, भगवान के घर वाली किए चाहिए, हाँ बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, वही लक्ष्मी महारानी, तो ओकरा से मतलब नहीं छ, ओकरा से सबके मतलब, ओकरे खातिर गुरु महाराज से मतलब जोड़े चाहिए, गुरु महाराज धन संपत्ति मिले घर भरे, तो इसलिए भगवान की घर वाली लक्ष्मी महारानी रुक्मणी देवी, पर एक ही नहीं है, सत्यभामा है, जाम्बती है, कालिंदी है, भद्रा है, श्रुति कीर्ति है, मित्रविंदा है, कालिंदी और सत्या है, लक्ष्मणा है, ये 8 पत्नियां हैं भगवान के अलग अलग, और 16,100 का तो नाम भी नहीं याद है, वो भी है अलग, तो 16,108 घर वाली हैं भगवान के अर्धांगिनी, और बेटा बेटी 10-10 को बेटा एक एक घर वाली से, अब बेटी एक एक को, तो बेटी का संख्या कितना हुआ, 16,108 को 21 से जोड़िए तो 16,108 बेटिए है, और 10 से गुना कीजिए उसको 16,108 को, तो 1,16,000 का हुआ, 1,61,080 हुआ कि क्या हुआ, 8 देना से, हाँ 1,61,080 को बेटा है, और 16,108 को बेटी है, उसमें पोता पोती नित नतिन, तो कितना आबादी हो गया, तो कुल मिला के 56 करोड़ का परिवार था, लेकिन भगवान ध्यान नहीं करते थे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युष्पस्य पृष्य माधव दध्यो प्रसन्न करन आत्मानं तमसः परम, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे और अपने आत्मस्वरूप का जब ध्यान करते थे तो उस समय खुशी से आनंद से उसका मुखमंडल खिल जाता था श्री सदगुरु। तो ये समय बहानाबाजी है कि समय नहीं मिलता है, आपको शरीर का परिवार का संभाल करने के लिए समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं मिलता है, दूसरे के बिगाड़ी खटने के लिए समय अपने लिए समय नहीं है, तो अपने लिए समय नहीं तो दूसरे के लिए क्या करेगा, जो खुद नदी में डूबा रहेगा दूसरे को कहाँ से निकालेगा, जो खुद अपना कल्याण नहीं करेगा दूसरे का कहाँ से करेगा। तो इसलिए लोग कहते ना कि हमको दूसरे की सेवा करने से फुर्सत नहीं, सत्संग भजन क्या करेंगे, तो सत्संग भजन नहीं करेगा तो सेवा भी नहीं कर पाइएगा, सबसे बड़ी सेवा की सत्संग कीजिए, वो भी करेगा तो वो भी सुधरेगा, धर्म कर्म पर चलेगा। तो इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम,
तो यही निज काम है, अपना काम है, इसे तो करते रहना चाहिए, समय निकालते रहना चाहिए। समय निकालने से निकलता, वैसे समय थोड़े है। कितना आदमी बोलेंगे बहुत लंबा जीवन छे, बीतना है मुश्किल से, बीत रहा है उसका, समय बीतने में देरी लगता है। अच्छा बोलिए सो जाते हैं तो रात के कई बजे सोते हैं? जब 10 बजे के बाद में कहीं फ़ोन करता हूँ तो कहीं से रिसीव नहीं होता, रिसीव होता तो लगता भांगे पी के बोल रहा है, अब क्या उससे सुनेंगे। अभी मैं बाबा को भी फ़ोन किया था, शायद मोबाइल में मेरा नंबर नहीं उठा, तो बाबा बोले कौन है, तो हम बोले वहाँ से बोले, तो हाँ तो बोलिए क्या बात है, तो कौन रास्ता, तो आइए ना जिस हो के आना आइए, खुला दरबार है। हमको लगा भाई इस तरह से बोल रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो क्या खाने पीने मिलेगा कि नहीं, कोई जुगाड़ पाती है कि नहीं, इसे बोल रहे हैं उल्टा। फिर बाद में उनको समझ में आया तब हंसने लगे, हमको भी हंसी आई। कहने का मतलब ये आदमी 9 बजे सो जाते हैं ना, और सुबह में जगते हैं 9 बजे नहीं तो 8:20 पर, और सीधे गर्मा गर्म चाय ढार लेंगे, मूड एकदम तभी खराब हो जाता है जतरा। इसके बाद कुछ अखबार पढ़ लेंगे तो कल चलिए। तो दिन में एक दिन में आधा दिन सोते हैं, 100 साल में कितना सो गए? एक दिन में जो आधा दिन सोत लो तो एक महीना में 15 दिन, 6 महीना में 3 महीना, साल भर में 6 महीना, साल भर में कितना सोते हैं? मन बड़ा छे कि अपने सबके ध्यानाभ्यास में साल में कते सुते छ? 6 महीना बोलो ना, कते 6 महीना, तो कुंभकर्ण से कम दावी रखते हम लोग, वो भी 6 महीना खराटा मारता था, इसीलिए आप लोग नहीं बोलते थे, सोचते थे यही बोलेंगे हम ना। 6 महीना घींच लेते हैं नींद, लेकिन अंतर ये था कि वो एक ही दिन जगता था, हम लोग 6 महीना जगते थे, जग करके भी पहाड़ नहीं उल्टा देते हैं, इधर से उधर चुगली चपाटी दिस दैट करती रहते हैं। तो ये है कि 100 साल भी यदि कोई जी जाए तो 50 साल तो ऐसे सोने में चला गया, और जो 100 साल जीता है उसके बचपन का 20 ऐसे बचपना में ही चला जाता है, तो उस 50 सोने में 20 बचपन में चला गया तो कितना बचा? 30 बचा ना। और जो 100 साल जीता है उसको 80 के बाद का जीवन गुड फॉर नथिंग, एज गुड एज डेड, मुर्दे के तरह जीवन होता है, वो खटिया पर ही खोखो ढोंढो खाज खुजली से फुर्सत ही नहीं होता उसको 80 के बाद। तो उस 30 में भी बुढ़ापे का 20 घटा दीजिए तो आयु कितना बचा? 10 ही बचा ना। अब उस 10 साल में पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सर्विस, मतलब क्या, कितना बोलेंगे सर्विस कर रहे हैं, तो हिंदी को अंग्रेजी में बोलने से क्या वो बढ़िया शब्द हो जाता है? सर्विस कौन सी है? नौकरी कहते ना, गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब सरकार का नौकर। अब नौकर किसी का रहेगा तो नौकर मालिक हो जाएगा, नौकर तो नौकरी रहेगा ना, तो सर्विस ठीक है, सर्विस तो सर्विस करते हैं। पढ़ाई लिखा पढ़ते पढ़ते तो पता नहीं कितना आदमी क्रिया खा के पढ़ते हैं कि जब तक हमको नौकरी होगा शादी नहीं करेंगे, उम्र हो जाता है 60, नौकरी हो जाती है अब कोई मिलवे नहीं करता है, लाचारी का महात्मा गांधी अब चले गए बाबा बन गए, उधरों मन नहीं लगे, इधरों ब्याह शादी कुछ हुआ नहीं, नौकरी लेके क्या करेंगे, वो हर चीज़ का समय होता है। तो ठीक है, अब वो 10 साल का उम्र बचा, उसमें पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी फिर ब्याह शादी कन्या लोकनिया बेटा पोता घर द्वार मकान दुकान ये सब आ गया, इसके बाद अब गाड़ी बंगला टीवी सीडी रेडियो मोबाइल 2G 3G 4G 5G, फुर्सत है जी? फुर्सत है? कभी फुर्सत नहीं है। तो विचार हम लोग करते नहीं ना, लंबी आयु लंबी कौन सी है, कुछ भी आयु नहीं है, पांव पलक की शुद्धि नहीं करे काल की साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज, एक पल का भी शुक्रत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, एक पल का भी खबर नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते ध्यान में हम लोग को मन लगाना ही चाहिए, और ध्यान जब करते हैं सही जगह पर तो वो सही काम होता है। वही ध्यान करने से जहाँ सही जगह पर ध्यान करेंगे तो काम बनेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं आज्ञा चक्र में ध्यान करो, आज्ञा मिल जाएगी, काम हो जाएगा।
तो सही जगह पे फाइल पहुंच जाता है तो सुनवाई हो जाती है। तो वहीं आज्ञा चक्र में फाइल पहुंचेगा, वहां से ऑर्डर आता है कि आ जाओ। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम उस सहरग को पाने के लिए। उसी को सहरग, सुखमना, दशम द्वार, तिल, तीसर तिल, शिवनेत्र, आज्ञा चक्र कहते हैं। तो इस तरह से वही आज्ञा चक्र का वर्णन आया। इस आज्ञा चक्र में जो ध्यान करते हैं तो योगी लोग जो होते हैं ना, हठ योगी सब, तो वो नीचे के गुदा चक्र, नाभि चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, इन चक्रों के में ध्यान लगाने से अनेक अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया में भी लाभ है, जैसे सब मान लीजिए, कहने का मतलब ये है ना कि भांग पीने से नशा आता है, लेकिन भांग का औषधि भी बनता है। यदि नशा नहीं आएगा तो आदमी मर जाए, यदि भात नहीं खाए, ये नींद नहीं आएगा तो तीन चार दिन के बाद उठांग करके वहाँ रांची में देना पड़ेगा। और रांची में जाएंगे तब तो रांची में एक बार एक पागल को एक आदमी ले गया, तो डॉक्टर बोला पागल कौन है, तो जिसको ले गया था ना, जो पागल को ले गया था, जो आदमी उसको ले गया था तो पागल उसको इशारा करके बोला ये पागल है। अच्छा। और डॉक्टर ने जो सही आदमी था उसी को दवाई देने लगा पागल वाला, तो डॉक्टर हो पागल, वो पागल, वो पागल, तो ये हाल है। कहने का मतलब है कि आदमी सोए नहीं तो क्या से क्या हो जाए, तो निशा तो सब कुछ में। इसी तरह जो नीचे वाले चक्र है उसमें भी लाभ है। तो योगी लोग क्रिया करते हैं और उस क्रिया से वो उसका ध्यान किया जाता है चक्रों में। क्रिया में भी देखिए, एक है गजकर्णी क्रिया जिसको शंख प्रक्षाल बोलते हैं। वैसे ध्यानाभ्यास शिविर में ये सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहते नहीं, सीधे आंख बंद कर सुखमना में ध्यान लगा पहुँच जाओगे ऊपर। ऊपर पहुँचते नहीं, झपकी मार देते हैं, माथा एकदम हटे से चोट लगता है। तो शरीर समांग ठीक रहना चाहिए, तो ऊपरी ध्यान करने के लिए शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर समांग अच्छा हो। अब वो गजकर्णी क्रिया का चमत्कार सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। जिसको बरसों बरसों से साइनस की बीमारी हो, सर्दी ठीक नहीं होता हो, खांसी दम्मा हो, जिसको सांस फूलता हो, जिसके मुंह से दुर्गंध आता हो जैसे मरा हुआ चूहा की तरह, एक आदमी को होता है। जितने प्रकार का ये गले का रोग है ना, फेफड़े का और गले कंठ संबंधी रोग, जिसको सोने के बाद खर्राटा आता हो, अनिद्रा हो, भोजन नहीं पचता हो, यदि गज करनी क्रिया करे तो सब ठीक हो जाता है एक साथ। ये चमत्कार है, हम लोग ट्रेनिंग लिए बेंगलोर में। तो इसमें होता क्या कि अब अलग से बताने का चीज है ये, जैसे गुनगुना पानी आपको जितना मन भर जितना पी सकते हैं जोर जबरदस्ती करके पिया जाता है, उसमें काला नमक मिला के स्वाद अनुसार, फिर पूरा पी करके फिर उसका एक तरीका है उसको उल्टी करने का, उल्टी किया जाता है। जब उल्टी कीजिए तो देखिएगा कि आपको सब कुछ लगेगा बाहर हो गया, मतलब जो भी गंदगी, फिर पीजिए, फिर उल्टी कीजिए, प्रक्रिया दो बार तीन बार किया जाता है। और इसको करने के लिए कम से कम सब जब शुरू शुरू में तीन चार बार, हर एक महीना में चार बार कीजिए सप्ताह सप्ताह, और फिर बाद में साल में दो बार कीजिए, फिर साल में एक बार करते रहिए, कभी इस तरह का कोई रोग नहीं आता है। तो ये सब क्रिया है। चलिए, तो ये योगी क्रिया है कि एक एक चक्र में ध्यान करते हैं, उसमें सिद्धियां मिलती है। गुदा चक्र में कौन भगवान रहते हैं? गणेश भगवान। नाभि चक्र में ब्रह्मा जी, और इस तरह से लिंग चक्र में ब्रह्मा जी, नाभि चक्र में विष्णु भगवान, और हृदय चक्र में शिव भगवान, और कंठ चक्र में माँ सरस्वती 16 कलाओं से पूर्ण। इस तरह से ये सारे देवी देवताओं की आराधना उपासना करने के लिए उन चक्रों में ध्यान किया जाता है, उनकी सिद्धि और उनका शक्ति प्राप्त करने के लिए। परंतु आज्ञा चक्र में परम ब्रह्म परमात्मा तारक ब्रह्म, ब्रह्मलोक इसे कहा जाता है। इसलिए इस आज्ञा चक्र में ध्यान करने का मतलब हुआ कि जैसे वृक्ष में के जड़ में पानी दिए तो सारे वृक्ष तने हरे भरे हो गए,
इसी तरह से जो आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं तो नीचे वाले पांच पद्मों का जो जो फल है, जो जो चक्र में ध्यान करने से जो जो सिद्धियां मिलती हैं, सारी सिद्धियां यहाँ प्राप्त हो जाती हैं। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। इसलिए यहाँ आज्ञा चक्र के बारे में बताया गया है। तो इस ये फेवरेट विषय है सत्संग का, और इस पर बहुत तरीका से बहुत विस्तार से गुरु महाराज का की कृपा से इस पर प्रवचन होता रहता है। तभी के सत्संग में यहीं पर यहीं विश्राम, और बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।